हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग इंडिया। हर माँ चाहती है डिलीवरी के बाद वो अपनी पहली वाली शेप में आ जाए। स्पेशली जिन लेडीज़ की सी सेक्शन डिलीवरी होती है, उन वेट बढ़ने की समस्या बहुत आम होती है। पर शुरू से ही थोड़ा सा ध्यान रखकर आप देखेंगे कि आप अपने बेली फैट को बहुत कम कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ नेचुरल रेमेडीज़ बताएंगे जिससे आप अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं। इसमें कोई भी एक्सरसाइज हम नहीं बताएंगे, क्योंकि एक्सरसाइज आप 3 मंथ के बाद ही स्टार्ट कर सकते हैं। सी सेक्शन डिलीवरी में ऊपर वाले स्टिचेस तो कुछ दिन में हील हो जाते हैं, बट इंटरनल स्टिचेस को हील होने में पूरा 3 मंथ लगता है। इसलिए कोई भी हैवी योगा या एक्सरसाइज करने से पहले आपको 3 महीने वेट करना होगा, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज और योगा स्टार्ट करें। तो इस वीडियो में हम सिर्फ नेचुरल तरीके से ही बताएंगे कैसे आप बेली फैट को कम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मसाज। सिजेरियन डिलीवरी के बाद पेट कम करने का सबसे आसान तरीका है मसाज करना। 1 मंथ बाद से आप मसाज करना शुरू कर सकती हैं। इसे किसी की हेल्प से करवाइए। इससे चर्बी में जमा लिम्फ नोड्स में लिक्विड कम होने लगता है, जिससे पेट का साइज भी धीरे धीरे कम होने लगता है। ये एक बहुत आसान तरीका है। इससे ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है और आप देखेंगे कि ओवरऑल वेट लॉस भी इससे आपका बहुत जल्दी होगा। नेक्स्ट पॉइंट है वॉक करना। आप डिलीवरी के 5-6 दिन बाद से ही वॉक करना स्टार्ट कर सकती हैं। स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा वॉक करिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे उनको बढ़ाते चलिए, जिससे आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपकी बॉडी रिकवर करेगी और साथ ही साथ आपको वेट लॉस करने में भी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है अजवाइन का पानी पीजिए। ये एक बहुत पुरानी रेमेडी है पेट को कम करने के लिए। आपने अपनी दादी नानी से कहते हुए सुना होगा कि अजवाइन का पानी पीने से पेट बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। तो इसको बनाने का तरीका है, आप पानी लीजिए, उसमें एक पोटली लीजिए जिसमें अजवाइन और कुछ लौंग डाल लीजिए, और उस पोटली को पानी में डालकर अच्छे से बॉईल करिए। जब पानी ठंडा हो जाए तो पोटली हटा दीजिए और उस पानी को आप पूरे दिन पीजिए। आप इससे देखेंगे कि अजवाइन का पानी पीने से आपको गैस भी बहुत कम बनेगी, आपका पेट बहुत ही जल्दी नेचुरल तरीके से ही अंदर हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। नेक्स्ट पॉइंट है पेट पर एब्डोमिनल बेल्ट को बांधना, या आप इसकी जगह कॉटन के दुपट्टे को भी बांध सकती हैं, जिससे जो पेट लटका हुआ होता है वो पुरानी शेप में आने लगता है। जिनका पेट ज़्यादा नहीं लटका, वो कॉटन के दुपट्टे को आराम से बांध सकते हैं, जो गर्मियों के मौसम में कंफर्टेबल भी रहेगा। सोते समय इसे हटा दीजिए, लेकिन ये पूरी तरह से आपके पेट को सपोर्ट देगी, जिससे पेट का साइज़ कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है खाने में दलिया ज़रूर खाइए। दलिए में बहुत फाइबर होता है। मैंने अपनी डिलीवरी के बाद लगभग 2 महीने तक दलिया खाया था, जिससे ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई भी बहुत बढ़ता है और साथ ही साथ इसमें फाइबर इतना ज़्यादा होता है जो वेट लॉस करवाने में बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क ज़रूर पिलाइए। जितना आप ब्रेस्ट फीड कराएंगी बच्चे को, आप देखेंगे कि आपके पेट का साइज़ और ओवरऑल आपका वेट उतना ही कम होने लगेगा, क्योंकि इससे चर्बी बर्न होगी और साथ ही साथ आपका वेट कम होने लगेगा। तो ये बहुत अच्छे तरीके हैं। इसमें आपको स्पेशली कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई हार्ड वर्क नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।